हेलो एवरीवन, मैंने लिए हैं कुछ ग्लास कलर्स। इस बॉक्स में मुझे मिला है ये आउटलाइनिंग करने के लिए एक क्यूब, एंड मुझे मल्टीपल कलर्स मिले हैं, ग्रीन, ब्राउन, येलो, रेड, पिंक एंड ब्लू। एंड मैंने लिए हैं कुछ आउटलाइनिंग करने के लिए ये कलर्स, ये सारे ग्लिटर वाले हैं ये चार, एंड ये मेट कलर है सिल्वर, गोल्डन, ग्रीन, ब्लू एंड पिंक। एंड मैंने कुछ ग्लास मार्कर पेंसिल्स भी लिए हैं, ये 6 कलर की अवेलेबल थे अंकल के पास। तो मैं सो वेलकम एवरीवन टू माय चैनल मेगा आर्ट अमोर, दिस इज मेघा सिन्हा। एंड इसमें मैं एक ग्लास बॉटल को कलर करने वाली हूँ, एज मैंने न्यू कलर्स लिए हैं ग्लास पेंट्स, तो मैं इसका यूज़ करने वाली हूँ। तो जैसे कि मैंने बॉटल को वर्टिकली रख करके 3D आउटलाइनर्स का यूज़ किया है, ये रियली में बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि ग्लास भी स्मूद है एंड आप उस पर अपना हैंड को एडजस्ट नहीं कर सकते हो, वो स्लिप करते रहता है साथ में उस आउटलाइनर को चलाना। एंड वो जो आउटलाइनर की जो बॉटल है वो टिन की है, तो साथ में आपके उंगलियों पे भी प्रेशर पड़ते रहता है साथ ही साथ, तो उस प्रेशर को भी एडजस्ट करना, साथ में साथ ये वर्टिकल एंगल में भी एडजस्ट करना, एंड थोड़ी सी भी हाथ इधर उधर हुआ आपका तो वो ख़राब हो सकती है जो आउटलाइंस आप कर रहे हो, तो आपको उसके सूखने का भी वेट करना है। सो दिस इज़ ओवरऑल अ टफ थिंग, बट मैंने ये ट्राई किया। इसके सूखने के बाद मैंने इसमें कलर्स डाले, बट ये इतना थिन कलर है, ये थोड़े से भी रोटेट कर रही थी तो कलर्स गिरने लग रहे थे, तो मैंने इसे स्लीपिंग पोजीशन में रख करके धीरे धीरे अप्लाई किया, जो मैंने बिहाइंड द सीन्स किए हैं बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग था। सो अब आप ये बॉटल को देख सकते हो, इसे मैंने डिफरेंट कलर्स अप्लाई किए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा थिन थे, तो मुझे 2 लेयर्स अप्लाई करने पड़े इसमें। एंड इसमें मैंने लाइट्स डाल दिए हैं जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहा है, और मेरे स्टूडियो बनने पे ये तो फ्रंट में रहने वाला है। तो अभी सो और भी मैंने 2 बॉटल्स डेकोरेट किए हुए हैं केचप वाले, वेस्ट से बनाती हूँ मैं, तो आप ज़रूर देखना, आपके घर में भी होंगे, आप भी इसे ट्राई कर सकते हो। तो जस्ट लुक एट दीज बॉटल्स, ये कितने प्यारे लग रहे हैं, सिंपल, मुझे तो ये बहुत पसंद आया। मैं आपको भी रिकमेंड करूँगी कि आप ज़रूर ट्राई करो, सारे वेस्ट मटेरियल से बने हुए हैं एंड बस आपको कलर्स खरीदने पड़ेंगे, ये आपके पास हो तो आप उसे यूटिलाइज करो। एंड दिस इज गोना बी अ बेस्ट डेकोरेटिव एलिमेंट ऑफ योर स्टूडियो, सो ज़रूर ट्राई करें इसे एंड मुझे ज़रूर शेयर करें इन कॉमेंट सेक्शन कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। एंड एनीथिंग न्यू यू वॉन्ट ऑन माई चैनल आप ये भी सजेस्ट कर सकते हो, साथ ही साथ हिट दैट सब्सक्राइब बटन इफ यू हैवेंट येट एंड गिव इट अ बिग फैट थम्स अप। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।